गुड मॉर्निंग क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी गोइंगीट इंग्लिश फर्स्ट फर्स्टर फोर्टीन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पर एवरी आफ्टरनून एज दे चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द दियंड गार्डन हर दोपहर को बच्चे स्कूल से आते थे और राक्षस के गार्डन में खेलने जाया करते थे इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन यह बड़ा और सुंदर गार्डन था विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास इसमें सॉफ्ट हरी ग्रास थी हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वर ट्वेल्व पीच ट्री इन द स्प्रिंग टाइम आउट ब्रोक आउट इंटू डेलीकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पेयर एंड इन द ऑटम दोर रिच फ्रूट्स हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ चारों तरफ ब्यूटीफुल फ्लावर थे और पीच के पेड़ थे और स्प्रिंग मौसम जो होता है बारिश का जो मौसम होता है वहाँ पर सुंदर फूल मोतियों जैसे उग गए थे और बहुत सुंदर से बड़े फल उग गए थे द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड सेंग सो स्वीटली वो पे, चिड़िया पेड़ों पर बैठती थी और सुंदर से गीत गाती थी दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप दियर गेम्स इन ऑर्डर टू लेसन टू दम बच्चों uh, को uh, अपना गेम खेलना बंद करना पड़ता था जब वो चिड़ियों uh, को सुनते थे हाउ हैप्पी वी आर हेयर हम कितने खुश हैं यहाँ दे क्राइड टू ईच अदर व एक दूसरे से रोते थे वन डे दियम बैक एक दिन राक्षस वापस आ गया ही हैड बीन टू विजिट इेंड द कॉर्नाइस ऑफ्रीव वह अपने uh, दोस्त के घर गया हुआ था uh, एक नरपच्छी के यहा एंडेड विद हिम फॉर सेवन ईयर्स और वह वहाँ सात साल के लिए आफ्टर सेवन ईयर्स ओवर ही हैड से

रन अवे और बच्चे वहां से भाग गए माई ओन गार्डन माई ओन गार्डन मेरा है गार्डन मेरा ही है सर द और सर राक्षस ने कहा एनी वन कैन अंडरस्टैंड क्या uh, तुम सब समझ गए हो एंड आई विल और आई विल अलाउ नो टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ मैं अपने अलावा किसी को यहाँ खेलने की अनुमति नहीं देता सो ही बिल्ट अल ऑल अराउंड उसने बड़ी बड़ी दिवाले चारों तरफ बना दी एंड पुट अपना नोटिस बोर्ड और उसने एक नोटिस बोर्ड लगा दी ट्रास बी प्रोस्यूटेड मतलब की जो अंदर आएगा उस पर मुकदमा चलाया जाएगा अत्याचारियों पर ही वॉज अ वेरी सेल्फेज वह सेल्फेस था जो राक्षस द पुअर चिल्ड्रन है नाउ नाउ वेयर टू प्ले अब बच्चे सोचने लगे कि हम लो tried, uh, उन लोग कहाँ खेलेंगे दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड उन लोगों ने रोड में uh, खेलने का ट्राई किया बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स पर वहाँ पर पत्थर थे और धूल से भरी हुई थी एंड दे डेट नॉट लाइक इट और उन्हें यह पसंद नहीं था दूस वंडर अराउंड हाई वॉल देन तो so, उन लोगों ने सोचा दूस टू वाउंड द वॉल वन दियर लेशन वर ओवर वो वॉल थी उसके गोल गोल खेलेंगे एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इन साइड और हम उसके गार्डन के बारे में बात करेंगे हाउ हैप्पी वी आर देयर हम कितने खुश थे वहां दे

और अब ठंड है द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज दे आर वर नो चिल्ड्रेन एंड द ट्रीज फॉर गट टू ब्लसम और अब विंटर है अब ना ही यहाँ पर बच्चे आएंगे और ना चिड़िया गाना गाएंगी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई दिंग सो लेट इन कमिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्प्रिंग इतना लेट क्यों हुआ जीएंग, जीएंग ने कहा ने राट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट इज कोल्ड वाइट गार्डन उसने अपने सफेद बर्फ जमी हुई गार्डन पर देखा आई होप देर विल बी चार्ज चेंज इन दैदर मैं आशा करता हूं कि इस वेदर में कुछ चेंज आए Okay, this is enough for today class. We will meet tomorrow with uh, next chap next para. Thank you.